सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और एक तीखी डिबेट देखने जा रहे हैं, जो होगी पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर शोएब चौधरी, जो कि अपनी बेखौफ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं और काफी अच्छे सवाल पूछते हैं, और भारत की तरफ से उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी नाजिया अलाई खान जी, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने दलेरी और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे दोनों के बीच ये डिबेट होती है कि सीमा हैदर की वजह से ही पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ा गया या नहीं, या इसके पीछे कोई और कारण है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और उसके बाद आप फैसला करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर मीडिया की बात करें, दोनों साइड मीडिया, आपको नहीं लगता कि अब जितनी तेजी से पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आज भी अगर हम बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर में इस तरह के इश्यूज को सॉल्व ना कर पाना और इस तरह के इश्यूज पे डिस्कशन करना ही एक यूथ के इंसल्ट के बराबर है। कि मतलब आज भी हम अगर इस तरह की सोच रखें कि हिंदू ने ये किया, मुस्लिम ने ये किया, मुसलमान ये ऐसे हैं वैसे हैं, हमें ह्यूमैनिटी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है और मीडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से जो खबर है उसके दोनों एंगल दिखाए जाएं और जो सच है उसे सामने लाया जाए। मैंने पाकिस्तान में जो मंदिर डिमोलिश है इसके हवाले से भी आपसे बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया पे ये दिखाया गया, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? क्या आपने आप अब आपका क्या ख्याल है, जब आपने शायद मेरी वीडियोस या बाद में बहुत से लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की, तो क्या समझती हैं जो पहले दिखाया गया और जो अब दिखाया गया? देखिए शोएब, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। अब बात आती है कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो इस्लामिक देश है, ठीक है, और मुझे आज तक, मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30-12 बमायने पढ़ा है और जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ मैंने उस लैंग्वेज में पढ़ा है ताकि मैं सही से कुरान को समझ सकूँ। मुझे आज तक मुसलमान कम्युनिटी का एक वो गुस्ताखी वाला तो समझ में नहीं आया कंसेप्ट, बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि 30 पारे ने तो कहीं पर नहीं कहा है कि भाई ये कर दोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, वो कर दोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। अब देखिए, हमने मुल्ला को सिर्फ मुल्ला बोल दिया तो मुसलमान बोलेंगे कि तुम गुस्ताख हो, हमने इमाम को इमाम साहब ना बोल करके सिर्फ इमाम बोल दिया तो मुसलमान कहेंगे कि तुम गुस्ताख हो, हमने अगर कह दिया कि मजार परस्ती गुना है, भाई भाई प्रॉफिट मोहम्मद भी कह रहे हैं, अल्लाह के सबसे सबसे नजदीकी फरिश्ते जिब्रेल भी कह रहे हैं कि मजार वर्शिप जो है वो सिन है, वो पाप है, तो कह दिया जाएगा कि तुम गुस्ताख हो। देखिए, नॉर्मल गली कूचे में जब किसी लड़के का नाम मोहम्मद या अली होता है तो उसको लोग तो मोहम्मद और अली ही पुकारते हैं ना, जी बिल्कुल, मोहम्मद और अली ही पुकारते हैं, पर जैसे ही कोई हिंदू अगर मोहम्मद और अली बोल देगा तो कह दिया जाएगा कि भाई ये गुस्ताख है। तो ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। अब मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि आप पाकिस्तान इस्लामिक देश में रह रहे हैं, आपने मंदिर के लिए दो चार न्यूज बना दिए तो आपको धमकी आ गई, आप सोचे। हालांकि कितनी बड़ी बात है, कुरान खुद कहता है लकुम दीनकुम वलय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, तो आप क्या मान रहे हैं भैया? आप 30 पारा मानने को तैयार नहीं है, आप 30 पारे का मतलब मानने को तैयार नहीं है, आप सुन्नत रसूल मानने को तैयार नहीं है, आप सुन्नत में जितनी बातें कही गई हैं आप उसको ठीक है। मानने को तैयार नहीं है। कुरान कहता है 306 बार या अय्युहन्नास ओ मैनकाइंड, लेकिन आप इंसानियत मानने को तैयार नहीं है, तो मतलब सुन्नत रसूल में सिर्फ 4 थी क्या, इसके ठीक है, अलावा कुछ नहीं था क्या? मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान की जनता से कि आज अगर सबके सब लोग ये सवाल पूछें शहबाज शरीफ से कि स्वेडन में जब कुरान जलता है तो पूरा पाकिस्तान क्यों निकल जाता है जुलूस और मीटिंग और मिचिल करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लेकर के, पाकिस्तान की सरजमीन पर जब 150 साल की मंदिर तोड़ी जाती है तो ये शहबाज शरीफ का मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों? वो आपके लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, समझ ये कि वो हिंदू हैं इसलिए आप अत्याचार करेंगे उस पर? ये कौन सा कुरान बताया है, ये कौन सा सुन्नत बताया है?
नाजिया जी, आप शायद मेरे क्वेश्चन को उस तरीके से समझी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया किस तरीके से मिसगाइड करता है, किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है दोनों साइड से, कि एक खबर को, चाहे मंदिर डिमोलिश की खबर हो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में अल्लाह अकबर गर्ल की खबर हो, किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया या इंडिया का मीडिया अपने ही मतलब एक खबर को बना के सामने लेकर आता है, क्या इससे मजीद नफरत नहीं बढ़ती? जैसे मैंने मैंने यहाँ पे कवर किया, मुझे पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है, ये मंदिर का जो इशू है ये। जी आपके इस टॉपिक पर आने से पहले मुझे ये क्लियर करना जरूरी था, नहीं तो व्यूअर्स को समझ में नहीं आता। मुझे ये जी क्लियर करना ही था। अब मैं आपके टॉपिक पर आती हूँ। सबसे ठीक पहली ठीक बात, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। जो चीजें हर घर घर के लोग और हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है और देख पाता है, मीडिया दोनों पक्षों से उन चीजों को समझाती है। आज मीडिया इतनी वास्ट और फास्ट हो चुकी है कि एक छोटी छोटी घटना भी कैमरे में कैप्चर होती है और लोग, जनता जो है वो घर बैठे देखती है और अपने अपने डिसीजन को बहुत स्मूथली वो प्रेजेंट कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ये बात मैं सच कहूंगी। लेकिन अब बात आती है कि हमारे हिंदुस्तान में 99.9% मीडिया जो है वो दोनों पक्षों की बात बताती है और रियलिटी को बताती है, कभी भी मिसगाइड नहीं करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्ट को मिस अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में दूसरे बड़े चैनल्स उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं, हर हाल में क्लियर कर देते हैं। अब आती है बात कि मैं फिर से आपको इंडिया के बारे में बता दूं कि हमारे अंदर इतनी साहस होती है हिंदुस्तान में कि अगर कोई मीडिया गलत चीजें गलत तरीके से प्रेजेंट करके बताती है तो हम उसका पोस्टमार्टम आराम से कर लेते हैं, हम उसको लीगल नोटिस भेज देते हैं, हम उससे मांग लेते हैं, हम उससे प्रूफ मांग लेते हैं, हम उससे सत्य मांग लेते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर उसको खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं कि बताओ। समझ में आई आपको बात? जी अभी मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ कि ये जो मंदिर टूटने की बात बार बार आ रही है, ये आपका सवाल नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। जी आपके पाकिस्तान का ही एक यूट्यूबर हर रोज हमारे नेशनल चैनल पर सीमा हैदर को लेकर के बात करता है कि वो पाकिस्तान की नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर वो पाकिस्तान की नहीं है तो सीमा के लिए वो मंदिर क्यों तोड़ी गई? ये 150 साल की ये बिल्कुल पहले वीडियो क्यों वायरल किया गया कि सीमा हैदर को अगर नहीं भेजोगे तो हम हिंदू पर अत्याचार करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, और उसके कुछ दिन के बाद 150 साल की मंदिर टूट गई। दूसरा सब दूसरा दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी। मैं नाजिया मीडिया की बात करती हूँ। लेट मी फिनिश, मैं सिर्फ 30 सेकेंड और लूंगी। अब बात आती है कि वो कह रहा है कि वो दुबई में बार डांसर है और इंडियन के कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है, सीमा हैदर वाले पूरे चैप्टर में। उससे 6 दिन से पूछा जा रहा है कि तुम उसका नाम लो, वो इंडियन पॉलिटिशियन पिछले 10 मिनट में जेल के अंदर होगा। उसने नहीं कहा, मिसलीड किया, मिसगाइड किया। मैं नाजिया इलाही खान, मैंने आपके पाकिस्तान के यूट्यूबर के ऊपर केस किया है एंड विद इन 1 मंथ मैं उसको एक्सट्राडिट करके लेकर आऊंगी और कटघरे में खड़ा करूंगी। आज मैंने ओपन चैनल उसको नेशनल न्यूज पर दावा दिया है और मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिखाए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वकील ऑफ इंडिया। ठीक है नादिया जी, एक चीज मैं क्लियर करता चलूं फिर आगे चलेंगे, और इस बात से मैं 110% एग्री करता हूं, बल्कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जो ऑडियंस है, खासतौर पे इंडिया की ऑडियंस है, वो इस चीज को डीपली ऑब्जर्व करती है। कोई भी इशू हो, उनकी कोशिश ये होती है, मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं, बड़ी तादाद में इंडिया से है, वो देखते हैं कि रियलिटी क्या है, खबर है क्या सच में, और उसे दिखाया किस तरीके से जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की खबर हो या इंडिया की खबर हो, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज, जो आपने 150 साल पुराने मंदिर की बात की है, देखिए अगर मैं लाहौर में बैठा होता तो शायद मैं आपकी इस बात से एग्री करता कि सीमा की वजह से इस मंदिर को डिमोलिश किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे, बिलीव मी, यहाँ पे मैं आया हूं और इस केस को पर्सनली लेके चल रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सीमा का इस मंदिर के साथ, इस केस के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। इवन मैं अगर ये भी कहूं कि मुस्लिम्स का कोई लिंक नहीं है, वो इमरान शमसी नाम का एक बंदा इन्वॉल्व है
खबरों के मुताबिक। लेकिन ये अगर तासुर दिया जाए कि भाई मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा है, तो देखें शायद किसी को मेरी ये बात डिसएग्री करें, आपका राइट है, लेकिन इस केस के लिए मैं बिल्कुल क्लियरली 100% कंफर्म होकर ये कह सकता हूं कि ये केस में मुसलमानों का एज सच कोई कंसर्न नहीं है। मैंने दोनों साइड की राय ली, ओपिनियन ली, जो जो मद्रासी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ खड़ा हूं और वो भी ये स्टेटमेंट देते नजर आते हैं। दूसरी साइड पे जो वो लेडी हैं उनकी भी मैंने बात सामने रखी, वो भी ये स्टेटमेंट देती नजर आती है। चीज ये कहने का मतलब है कि जब एक खबर को आप हिंदू मुस्लिम के ऊपर ले आते हो, कोई भी इशू हो उसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर ले आते हो, तो बहुत सी चीजें बढ़ जाती हैं, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं दोनों कम्युनिटी के लोगों में। जी अभी मैं बोल दूं शोएब, कोई जी डिस्प्यूट चल रहा था क्या वो 150 साल की मंदिर पे? कोई लीगल डिस्प्यूट था क्या? जो जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है नाजिया जी, उसके मुताबिक जो रेखा नाम की खातून है, लेडी है, उन्होंने वो वहां पे उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहां पे मैं हिंदू आपसे क्षेत्र। सवाल कुछ और कर रही हूँ, आप जवाब जी कुछ और दे जी रहे जी हैं। कोई कानूनी डिस्प्यूट था उस 150 साल की मंदिर पे? कानूनी डिस्प्यूट तो नहीं था, वो उनका पर्सनल डिस्प्यूट किसी, था। क्या पाकिस्तान के किसी सुपीरियर कोर्ट ने, बड़े कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, पाकिस्तान के किसी ऑनरेबल कोर्ट ने ये अप्रूवल दिया था, ये ऑर्डर दिया था, ये जजमेंट दिया था कि कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर है? 150 साल की मंदिर तोड़ना कोई मुंह की बात नहीं होती है। कोई कोर्ट का ऑर्डर था उस 150 साल की मंदिर को तोड़ने के लिए? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह, मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा अरे कि कोर्ट का अरे ऑर्डर। अरे नहीं, मेरी बात को आप अरे चेक भाई, समझिए मैम, हमारे आप सामने मेरी बात लेट को, फिर मैंने आप मेरी बात को मैंने बहुत समझ। शांति से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी। ठीक है, एक चबूतरा भी जब तोड़ा जाता है ना, हमारे हिंदुस्तान की मैं बात कह रही हूँ, एक चबूतरा भी जब तोड़ा जाता है ना, तो भी कॉरपोरेशन से हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, अपने घर में रेनोवेशन करवाना पड़ता है ना, तो हम लोगों को पहले कॉरपोरेशन से अपील करनी पड़ती है कि ये ऑल्टरेशन है और ये रेनोवेशन है और ये इंटीरियर है, ये लिस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ठीक 150 साल की मंदिर को तोड़ने से पहले किसी कानून से तो पूछा गया होगा ना, कोई ऑर्डर तो निकाला गया होगा ना, है। तो फिर आपके, या तो फिर आप सही हैं शोएब, और या तो फिर आपके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन सही है। नहीं, नाजिया जी, अगर मैं आप ये बात सही हैं ओपनली तो कहता नजर आ रहा हूं। आप आप अगर मेरी वीडियो पाकिस्तान, देखें, ना मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। ठीक है, अगर आप सही हैं तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हर रोज एक नोटिस इशू कर रहे हैं और दुनिया के विभिन्न जगह पर भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत दर्जन दर्जन के हिसाब से मंदिरें तोड़ी गई हैं, दर्जन के हिसाब से कन्वर्शन करवाया गया है, दर्जन के हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में किया गया है, 13 साल से पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन कंप्लेन करते करते परेशान है, आपके पार्लियामेंट का वीडियो मेरे पास है, आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बात उठी है कि सीमा हैदर गई अपनी मर्जी से है, पर उसके लिए हिंदुओं की मंदिर तोड़ दी जाए, साहब ये कहाँ का ने? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आपने देखा कि नाजिया खान जी हमेशा की तरह अपने अंदाज से सवाल पूछने वाले को लाजवाब कर देती हैं। और सबसे बढ़िया बात उन्होंने स्टार्टिंग में कही थी कि जब आपने देखा है कि कोई भी ऐसी बात होती है तो मुल्ला माफिया गैंग फटाफट आगे आ जाता है और हर बात पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा देता है। हमने देखा था नूपुर शर्मा के केस में भी, जबकि नूपुर शर्मा जी ने हदीस को ही कोट किया था, पर मुल्ला माफिया गैंग जो थे वो बड़ी जल्दी ऑफेंड हो गए, उनको बुरा लग गया था, और आपने देखा कि उसके बाद वो सारा केस क्या हुआ था। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने देखा कि स्वीडन में कुरान जलाई गई तो पूरा पाकिस्तान जो था वो सड़कों पे आ गया। आपने देखा जितने भी कट्टर इस्लामिस्ट थे उन्होंने इसका भरपूर तरीके से विरोध किया, पर जब पाकिस्तान में 150 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, ये तब का मंदिर है, आजादी से भी 75 साल पहले का मंदिर, जब भारत और पाकिस्तान एक था, ये तब का मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया। अब फैसला आप पे है, आप लोग अपने विचार बताएं कि जो मंदिर है क्या सच में ये सीमा हैदर का जो रिटेलिएशन आया, यानी कि उसके विरोध में ये मंदिर तोड़ा गया है, या मामला कुछ और है। आपने दोनों की बात सुनी, नाजिया खान जी की भी बात सुनी, और आपने सोहेब चौधरी के भी सवाल सुने, और उनका जो पक्ष था वो भी आपने जाना। तो फैसला आप पे है,
आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जैसे सोहेब चौधरी साहब ने बोला कि जो इंडियन ऑडियंस है वो डीपली ऑब्जर्व करती है, मैं सोहेब चौधरी साहब से एग्री करता हूँ कि इंडियन ऑडियंस जो है वो बिल्कुल डीपली ऑब्जर्व करती है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी और एजुकेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।